Hey guys, FactoScience here, and as promised, हम आपके लिए लेके आए हैं Facto News का episode number 2. And so, let's begin. News number 1. We can make oxygen on Mars. So, और अगर आपने Facto News का पहला episode देखा होगा, जिसमें मैंने ये बताया था कि Mars कई सालों पहले एक ancient mega flood से गुजरा था. सो इसी न्यूज़ ने एक नया फॉर्म ले लिया है, क्योंकि उसी क्यूरियोसिटी रोवर ने एक नई डेटा भेजा, जिस डेटा के अकॉर्डिंग मार्स के क्रस्ट के नीचे अभी भी बहुत सारा सॉल्ट वाटर जमा हो सकता है. सो अब साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म फॉर्म किया है, जिसके थ्रू हम लोग मार्स का सॉल्ट वाटर ऑक्सीजन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी हम वहाँ आसानी से रह सकते. न्यूज़ नंबर 2, चाइना सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून. सो अगर आपने हमारा फैक्टो न्यूज़ एपिसोड नंबर 1 देखा है, जिसमें मैंने ये बताया था कि चाइना एक नया स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर रहे चांद की तरफ, वहाँ के रॉक्स को कलेक्ट करने के लिए. और आज सेकेंड न्यूज़ आ चुकी है कि चाइना वहाँ ईजिली लैंड कर चुका है. न्यूज़ नंबर 3, प्लांटिंग इन स्पेस. सो नासा ने माइक्रोग्रेविटी यानी स्पेस में एक ऐसा सूटेबल एनवायरनमेंट बनाया, जहाँ पे प्लांट्स आसानी से ग्रो हो सकते हैं. और उनका सबसे पहला प्लांट जो उन्होंने स्पेस में ग्रो किया, वो था रेडिश. न्यूज़ नंबर 4, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई टिश्यू. सो रिसेंटली कई सारे बड़े बड़े आई सर्जन्स ने मिलके आई के आउटर टिश्यूज़ का रिकंस्ट्रक्शन किया. अब इससे जिन लोगों का रेटिना का आउटर लेयर डैमेज्ड होता है, जिसको आज तक ठीक करना इम्पॉसिबल था, वो अब पॉसिबल हो जाएगा. न्यूज़ नंबर 5, अ माइक्रोस्कोप दैट कैन सेफली लुक स्ट्रेट थ्रू ह्यूमन स्कल. सो रिसेंटली साइंटिस्ट के थ्रू एक ऐसी कमाल की मशीन बनी है, जो ह्यूमन स्कल के आर पार देख सकती है. बट अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि एक्सरे भी तो यही कर सकता है, तो ये नई इन्वेंशन कैसे हुई? सो अब जो एक्सरे होता है, वो रेडिएशन एमिट करके हमारे स्कल के आर पार देख सकता है. बट अगर उस रेडिएशन को कुछ ज़्यादा देर तक रखा, तो वो हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है. एंड इसीलिए ये मशीन एक न्यू रेवोल्यूशनरी मशीन है, क्योंकि ये बिना कोई डैमेज किए हमारे स्कल के आर पार देख सकती है. न्यूज़ नंबर 6, AI सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ डिकेज. सो बायोलॉजिकल साइंस में अल्फा फोल्ड एक ऐसी मिस्टीरियस चीज़ है, जिसमें प्रोटीन्स खुद को फोल्ड करते हैं. और ये मिस्ट्री पिछले 50 सालों से अनसॉल्व थी, बट रिसेंटली डीप माइंड के एक AI ने इसे आसानी से सॉल्व कर लिया. एंड लेट मी से यू, डीप माइंड गूगल के अंडर आता है. सो इस चीज़ का ये रेवोल्यूशनरी नहीं है कि हमने प्रोटीन फोल्ड का मिस्ट्री सॉल्व कर ली, बल्कि ये है कि एक ऐसी मिस्ट्री जो 50 साल तक इंसान सॉल्व नहीं कर पाए, एक AI ने बड़ी आसानी से सॉल्व कैसे कर लिया. सो आज के लिए इतनी न्यूज़ काफ़ी है. हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. टिल देन, प्लीज़ बी वेटेड.